पहले दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है एग्जी की तरफ से। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था न्यू म्यूजिक कमिंग सून, तो जल्दी उनका नया गाना हमको देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है आवृत्ति म्यूजिक की तरफ से। तो आवृत्ति म्यूजिक का एक एल्बम आने वाली है जिसका नाम है स्टेज, और ये जो एल्बम है इसका फर्स्ट ट्रैक हमको 31 अगस्त को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो एल्बम है इसकी अभी ट्रैक लिस्ट वगैरह जारी नहीं हुई है, तो देखते हैं ये कैसी एल्बम होने वाली है और इसमें कितने ट्रैक्स होने वाले हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस का एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है मसूर, और ये जो गाना है ये एक ऑडियो गाना है, तो आप जाके सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही जो हरजस हैं उन्होंने कुछ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी वो मैं आपको बता दूं, तो उनके पिछले 6 गानों के उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ था और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था 1,00,000 रियल व्यूज़ 6 ऑडियोज़, तो उनके 6 ही ऑडियोज़ पर 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने अगली स्टोरी में लिखा हुआ था कि मैं ये सब बस अपने सुनने वालों के लिए और घर वालों के लिए कर रहा हूँ, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ था आमीन सारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है किंग की तरफ से। तो जो किंग है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जिसमें कि उनके आइकॉनिक सॉन्ग का स्क्रीनशॉट था जिसपे कि 1,00,000 से ज़्यादा लाइक हो चुके थे। साथ ही उन्होंने उसके नीचे लिखा हुआ था कि उनका जो सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग पर भी था 8वें नंबर पे इंडिया में। साथ ही उसने 1,00,000 से ज़्यादा लाइक हासिल कर लिए हैं और डिसलाइक रेशियो भी आप देख सकते हो। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा हुआ था ट्रेंडिंग परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1 more left एंड डबल हैट्रिक हिस्ट्री विल मेड। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा हुआ था आइकॉनिक ब्रेकिंग अवर आउंड रिकॉर्ड, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इनकी जो था कार्निवल एल्बम है उसका आखिरी ट्रैक तू आके देख ले वो 30 अगस्त को हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राहुल सातू हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था जाने दे यारा राहुल एक्स किंग ड्रॉपिंग सून, तो ये जो गाना है ये हमको द कार्निवल एल्बम के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि 30 तारीख को वो गाना रिलीज हो रहा है और उसके बाद ये गाना हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है 47 की तरफ से। तो 47 की जो असली इंडिपेंडेंट ईपी है उसका मिक्स मास्टरिंग कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हो इस ईपी में 5 गाने होने वाले हैं। और जो 47 है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जिसपे कि उन्होंने लिखा हुआ था मास्टर्स रेडी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमजी वेला की तरफ से। तो एमजी वेला ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था नाउ लेट्स टू बैक द बिजनेस दिस सितंबर। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है तला यूनिस की तरफ से। तो तला यूनिस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उनका जो क्वारंटाइन सॉन्ग था जो कि था कृष्णा के साथ में, उसने कंप्लीट कर लिए हैं 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, तो इसी पर उन्होंने स्टोरी डाली और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था दीवारें बनाते रहो हम तोड़ते रहेंगे, और इस स्टोरी को कलमकार के इंस्टाग्राम पेज ने रीपोस्ट भी किया हुआ था। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिस पर नीचे उन्होंने लिखा हुआ था वीडियो शूट, और नीचे उन्होंने एक हैशटैग लगाया हुआ था #BarishEP। तो जो बारिश ईपी है उसका शूट चालू हो गया है या फिर हो सकता है डन भी हो गया हो, और ये जो गाने हैं ये हो सकता है सोनी म्यूजिक पर हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि आपको पता होगा जो रफ्तार हैं वो सोनी से साइन हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जो पुलिस वाला रैपर जीवन है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था बस कुछ दिन और वेट कर मिलने वाला मैं रफ्तार से, हो सकता है इन दोनों को हमको कोलैब सॉन्ग भी आगे देखने के लिए मिले। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमी वे बंटाई की तरफ से। तो एमी वे बंटाई का नया गाना होने वाला है थैंक्स टू गॉड, और उसका उन्होंने पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। साथ ही ये जो गाना है ये 30 अगस्त को हमको देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका म्यूजिक दिया हुआ है पेंडो 46 ने। आपको पता ही होगा एमवीवे के पिछले कई गानों के म्यूजिक दे चुके हैं, और इस पोस्टर को देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो गाना है ये अभी सिचुएशन के हिसाब से ही है, मतलब कि COVID-19 पर। तो आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही एमवीवे ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसमें कि आप देख सकते हो 2010 से 2020 तक का उनका सफर, और उन्होंने 2 फोटो भी डाले हुए थे, 2010 का था एक, 2020 का था, और उसके उन्होंने नीचे हैशटैग लगा हुआ था #10year challenge। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। तो योयो हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था रिक्वेस्टिंग ऑल माय फैंस टू स्प्रेड लव नॉट हेट रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट एवरीवन। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।